अजमेर के माकड़वाली गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो परिवारों के बीच कुल्हाड़ी, लाठी और पत्थर चल गए। झगड़े में दोनों पक्षों के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रविवार देर शाम को घायलों को जेलन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। किश्चियनगंज थाना पुलिस ने हॉस्पिटल में घायलों के बयान दर्ज किए हैं। झगड़े में दो लोगों के सिर में गंभीर चोटें आई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार घायलों में माकड़वाली निवासी जगराज मंगलराम, शिवराज, जस्सी और दूसरे पक्ष के अमरचंद व लाला राम शामिल है। मामले में घायल मंगलराम के परिजनों का आरोप है कि आरोपी वैन में भरकर उनके घर आए और मकान में घुसकर लाठी कुलाड़ी से हमला कर दिया। कालूराम ने बताया कि उधारी की राशि लेन देन के पुराने विवाद में रविवार को कहा सुनी हुई थी। इस मामले में उसने किशनगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसी से नाराज होकर आरोपियों ने घर में घुसकर कुलाड़ी से हमला कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने विपक्ष पर हमले का आरोप लगाया है। ये झगड़ा हम तो क्या छुड़ाने वाले थे सर। हाँ। और हमें आते कुलवाड़ी से मदद, मेरे 15 टांके आए थे। अच्छा, दो पीछे सिर में 15 आए थे, दो पीछे आए थे। कहाँ पर हुआ झगड़ा? माकड़वाली में हुआ था। किस बात को लेकर? हमें तो पता ही नहीं, वो दूसरे इन दो जने का झगड़ा हो रहा था, हम तो छुड़ाने वाले थे। दोनों भाइयों को मारा जाके कुलवाड़ी से। आपका नाम क्या और भाई का नाम क्या? मेरा नाम अमरचंद गुजर है, भाई का नाम शिवराज। कहाँ के रहने वाले हो? माकड़वाली में। अच्छा, तो किस उधर? नहीं सर, हमारे से कोई मतलब नहीं। इनके आते जो भी जो छुड़ाना जाए उसको आते कुलाड़ी से काट देंगे। अच्छा, जो भी जितने भी। आपका नाम बता दो। अमरचंद गुजर।